अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सेल शॉर्टकट और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी एक्सेल के शॉर्टकट्स विदाउट यूजिंग अ माउस। मतलब कीबोर्ड पे जो कीज होती हैं उनको यूज़ करके आप कैसे एक्सेल पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो शॉर्टकट सिखाऊंगी वो है कट करना। कोई भी टेक्स्ट जो आपने एक्सेल पे लिखा है या कोई भी आपने जो वर्किंग की हुई है उसको आप एक जगह से कट करना चाह रहे हैं, किसी जगह पर पेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप कैसे जो कीबोर्ड की चीज़ है उनको यूज़ करके आप कैसे कर सकते हैं वर्किंग। ठीक है, कट कैसे करना है और पेस्ट कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। एक तो होता है कॉपी और पेस्ट करना, एक होता है कट, आप एक जगह से उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने कीबोर्ड के जरिए कैसे कौन सी कीज यूज़ करनी है तो आप कट और पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कुछ लिख लेते हैं। कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, आपने जो भी शीट बनाई है जिस किस्म की भी आपकी वर्किंग है, मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ये जो कुछ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं सपोज ये चाह रही थी उसको यहाँ से मैंने कट करना है और किसी और जगह पर पेस्ट करना है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट दो कॉलम या दो रोज में कुछ लिखा है। आपकी प्रॉपर वर्किंग जो भी होगी, आपकी कोई सीवी हो सकती है, कोई भी आपकी असाइनमेंट कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप उसको कॉपी या कट करना चाह रहे हैं, किसी जगह पर पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो एरिया जिस भी एरिया को आप कट करने जा रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया है, इसको आप चाह रहे हैं किसी और जगह पर पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने कीबोर्ड की कौन सी कीज यूज़ करनी है, कंट्रोल और साथ आपने एक्स प्रेस करना है, कंट्रोल एक्स इकट्ठा आपने प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल एक्स आप प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको कहीं पर पेस्ट करना है। ठीक है, जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सपोज आप इसको यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, इन कॉलम में आप लेके आना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, कंट्रोल बी। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल बी इकट्ठा आपने प्रेस करें, मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया है तो वो यहाँ से कट हो गए, यहाँ पे पेस्ट हो गए। आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी जगह की रिप्लेसमेंट हो गई है, वहाँ से वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, आप इसको किसी दूसरी शीट पर भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, दोबारा इसको देखें, अगर आप किसी दूसरी शीट पर लेके जाना चाह रहे हैं, सपोज आप एक्सेल से कोई चीज़ यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं और उसको वर्ड में पेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी और जगह आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है जो चीज़ आप कट करना चाह रहे हैं। सपोज आप, मैं सिर्फ ये एक कॉलम जो है ये मैंने लिखा हुआ है इसको मैं कट करना चाह रही हूँ, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। ये देखें अभी सर्कल इतना सा एरिया हुआ है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि ये चीज़ यहाँ से कट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसी के शीट टू पर पेस्ट करना है एक्सेल में, मैं यहाँ पर आऊँगी और कंट्रोल बी इकट्ठा प्रेस करूँगी। ठीक है, ये देखें कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर तो पेस्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है शीट टू पर। ठीक है, अब शीट वन पे जाके देखते हैं वहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो ये देखें शीट वन पे हमारे तो यहाँ से गायब हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से कट हो गए। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन होता है कॉपी और पेस्ट, और कॉपी पेस्ट में ये होता है कि आप यहाँ से इसको कॉपी करें और किसी जगह पर पेस्ट करें तो यहाँ पर भी मौजूद रहेगा और अपनी जगह पर भी। ठीक है, लेकिन अगर आप कट करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरी जगह जहाँ पर भी आपने पेस्ट किया वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान सी शॉर्टकट की है जिसमें आप शायद माउस ना यूज़ करें, कीबोर्ड की आप जो ये कंट्रोल भी है और कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल एक्स कट हो जाएगा और कंट्रोल भी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपना काम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।